हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द टॉपिक इज ईआर मॉडल, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का बेसिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों हम ईआर मॉडल को एक्चुअल में यूज़ करते हैं। ईआर मॉडल यूज़ करते हैं हम एक्चुअल में लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब अगर मुझे डेटा को कॉन्सेप्चुअली व्यू देखना है, उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ईआर मॉडल। मतलब कहने का कि जब हम किसी भी काम को, लाइक अगर मेरे को एक बिल्डिंग भी बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बिल्डर को बुलाओ और वहाँ पे आप जो है बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करवा दो। नहीं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आर्किटेक्चर से या एक बेसिक जो है मॉडल डिज़ाइन करता हूँ। वो मॉडल हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमें जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं वर्बली अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, वो बंदा जो है उसको सारा एक डिज़ाइन करके दे देगा और वो डिज़ाइन मैं एक्चुअल में बिल्डर को दे दूंगा, ताकि बिल्डर को एक बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि मेरी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा हम नहीं करते तो क्या होगा, बिल्डिंग, लेट्स सपोज कि बिल्डिंग हाफ बन चुकी, अब मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, ये रूम इस जगह पे गलत बन गया, या ये किचन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किचन की पोजीशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। घर बनाने उससे पहले ही हम उसको तुड़वाने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो तो बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। मतलब हम एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू देख लें। ऐसे ही अगर मैं कंप्यूटर साइंस के टर्म में बात करूं, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं और मैं लेट्स से कि मैं एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेट्स से कि एक स्कूल के लिए अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूं, उनके लिए डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा हूं और वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूं, तो जो भी मेरे साथ वर्बली बात हो रही है प्रिंसिपल की या वहां से किसी भी मैनेजमेंट के बंदे की, तो उस टाइम पे मैं साथ के साथ क्रिएट टेबल या ऑल्टर टेबल, मैं कोई भी कमांड जो है यूज़ नहीं करूँगा। मतलब मैं जब वर्बली बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगा, बिकॉज हो सकता है कल को डिमांड जो है या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो मुझे पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है इम्प्लीमेंटेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और कोडिंग में बार बार चेंज करना जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के बंदे से मेरी वर्बली जो बात हो रही है, उसका मैं एक डिज़ाइन काइंड ऑफ डायग्राम वे से मैं उसको एक डायग्रामेटिकली वे से मैं उसको एक डिज़ाइन बना के दूंगा। लेट्स से कि कागज पे ही एक पेपर पे लेके मैं उसको डिज़ाइन बना दूंगा कि ये ले, ये ईआर मॉडल है, ऐसे ऐसे ये टेबल्स होंगे, ये एंटिटीज़ हैं, और उससे मैं साइन करवा लूँगा कि ठीक है भाई, उसकी रिक्वायरमेंट डन है। वो पेपर या वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को दूंगा जो एक्चुअल में कोड करते हैं, और फिर वो डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। तो यानी ये जो डेटाबेस डिज़ाइनिंग की, कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइनिंग की जो एक्चुअल में जरूरत है, वो कौन पूरी करता है, मेरी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टर्म्स कौन सी आ रही है, एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब क्या है एक्चुअल में, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज नोन एज एंटिटी। मतलब कहने का कि अगर मैं बोलूँ एक स्टूडेंट भी क्या हो सकते हैं, एक एंटिटी। स्टूडेंट के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब स्टूडेंट की क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, एज, लेट्स से एड्रेस, ये सारी क्या है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज, या स्टूडेंट की आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, एक एंटिटी है। मतलब एनीथिंग, स्टूडेंट एंटिटी को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग या एक ऑब्जेक्ट विच हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कोई भी एंटिटीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम देखें, लेट्स से कि एक एंटिटी है स्टूडेंट, एंटिटी स्टूडेंट, और स्टूडेंट एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक रेक्टेंगल से, और एक एंटिटी कोर्स, कोर्स भी क्या है एक एंटिटी, बिकॉज कोर्स भी क्या है, उसकी भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है, करेक्टरिस्टिक है। क्या हो सकते हैं कोर्स के, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन। और स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है, यस ऑफ कोर्स, स्टूडेंट क्या करता है कोर्स को,
स्टडी करता है. तो स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में एक क्या है, रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप का नाम हम दे देते हैं लेट्स से स्टडी. तो एक्चुअल में ईआर मॉडल जो है बहुत ही सिंपल सा मॉडल है. इसको हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट कहीं पे नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक 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 तरह से आप कह सकते हो एक डायग्राम वे से, हमें डायग्रामेटिकली वे से हमें इसको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करनी है. तो जो स्टूडेंट है दैट इज अ एंटिटी, रोल नंबर, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे क्या है इसके एट्रीब्यूट्स, और इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, एक एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, स्कीमा. स्कीमा के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरी वीडियो में. एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट एक एंटिटी है, रोल नंबर, एज, एड्रेस उसके एट्रीब्यूट्स है. ऐसी एक और एंटिटी हो सकती है, जैसे कि हमने लिया हो यहाँ पे कोर्स, और कोर्स एंटिटी में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, एसोसिएशन को हम एक्चुअल में रिलेशनशिप बोलते हैं. अब इनकी एडवांटेज क्या है, एक्चुअल में इस ईआर मॉडल को हम फर्दर इंप्लीमेंट करते हैं. ये तो है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल व्यू, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम इसको फर्दर बाय यूजिंग एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम यूज करके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हम यूजर को एक्चुअल में कुछ एक बैकएंड पे डिजाइन दे सके, ताकि जब भी यूजर कॉल करे, जब भी आप जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हो, जितनी भी आज के टाइम पे वेबसाइट यूज कर रहे हो, बैकएंड पे कहीं ना कहीं डेटाबेस को डिजाइन करके उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, फ्रंट एंड से आप एक इंटरफेस के थ्रू उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो. तो इस ईआर मॉडल में जो बेसिक में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एंटिटी क्या है, एंटिटी एक सिंपल सा कुछ भी आप कह सकते हो, एंटिटी इज एनीथिंग विच इज अ ऑब्जेक्ट और जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. इसके बाद हम यहाँ पे देखा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब एंटिटी की करेक्टरिस्टिक. फर्दर वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट के टाइप्स, एट्रीब्यूट के टाइप्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स. और उसके बाद आएगा रिलेशनशिप की टाइप्स, या कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, दीज आर फोर डिफरेंट कार्डिनैलिटीज और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. वहाँ से जो है गेट या यूजीसी नेट में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है. ये तो एक बेसिक सा ओवरव्यू है कि एक्चुअल में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता क्या है, और ये एक आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे स्टूडेंट, स्टडी, कोर्स, ये दो एंटिटीज हैं, और बीच में ये क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप है. अभी मैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप या टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा. इस वीडियो से आप सिर्फ ये जान सकते हो एक तो एंटिटी क्या है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और फिर एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्लिप्स से, एंड रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से. ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, ऑल दो ये आप एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, लेकिन कई बार क्या होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे आपको डायग्राम दिया होता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे इसमें एंटिटी कौन है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वो पूछते हैं वो क्वेश्चन हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप की टाइप्स, वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ईआर मॉडल. थैंक यू.